हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ट्रैवल विथ हार्ट। आज हम जा रहे हैं, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं मेरे कज़न के घर पे, गेट टुगेदर अरेंज किया है उसने, तो हम लोग जा रहे हैं उसके घर पे। और आप लोग बोलोगे कि मैंने क्या पहना है, तो ये एक्चुअली एक स्कल कैप है और एक सरप्राइज है आपके लिए। मैंने एक हेलमेट लिया है SMK का, SMK टाइफून मॉडल है ये। तो एक नानापेट में एक शॉप है, एक पहचान की एक रेफरेंस से मिला था, तो उस वहाँ से लिया है हमने ये। तो आप बताना यार कैसा लग रहा है हेलमेट। ये नया कलर आया है उसमें, तो देखते अभी पहनता हूँ और बताता हूँ कैसे लगता है, क्योंकि मेरे लिए भी नया ही है, मैंने आज फर्स्ट टाइम ही पहन रहा हूँ मैं। सो लेट्स गो। ये देखो बहुत सारा हेवी ट्रैफिक है, मेट्रो के काम की वजह से पूरा ब्लॉक है आगे। पता नहीं पुणे में ये मेट्रो का काम कब खत्म होगा और ये हेवी ट्रैफिक कम होगा। हाँ, फाइनली रिलीफ। एंड हम लोग अभी निकल गए हैं स्पीड में। ट्रैफिक तो रहता ही है हर जगह पे, लेकिन जो ये महान लोग गाड़ियाँ चलाते हैं पता नहीं कैसे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन हम छूट गए अभी और वी विल रीच इन 30 मिनट्स टू माई कजिन्स प्लेस। सो वहाँ जाके आपको मिलते हैं और दिखाते हैं हम लोग क्या फन करने वाले हैं आज। ऋषि फुल स्पीड में। मैं ये रोड से बहुत परेशान हो गई हूँ, ट्रैफिक की वजह से नहीं लेकिन ऑफिस इसी रोड से जाते हैं, बोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक में से निकल गए, दो ही सेकंड में वापस ट्रैफिक हो जाता है। गाड़ी का जो मज़ा है वो भगाने में ही है। ये गाड़ी ट्रैफिक में चलाओ तो बोर हो जाता है, और चलाने में भी वैसे दिक्कत ही आती है, लेकिन ठीक है। अभी क्या, खाली रोड हर टाइम नहीं मिल सकता। देखो मैंने बोला था कि खाली रोड मिल गया ऐसे लगता है, लेकिन वापस ट्रैफिक हो जाता है। यहाँ पे वापस ट्रैफिक हो गया है। पता नहीं ये कैमरा रात में कितना की कैप्चर कर पा रहा है और मैं कितना आपको दिखा पा रही हूँ। कैसे चला रहा था बंदा, देखा क्या आपने? बाप रे, इतनी सी जगह में से निकल गया भाई, और वो भी इतने स्पीड में। ये सिग्नल खुला मिल गया। सब रेड 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 दिख रहा है, वापस ट्रैफिक आ गया। ये देखो पांच मिनट का सुकून चला गया।
सावली शब्द है क्या? सावली सावली छाया से। परिवार जैसे मैंने बताया कि मैंने एक हेलमेट लिया है SMK का टाइफून, तो वो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अभी एक ही बार पहना है मैंने, लेकिन फिटिंग वाइज बहुत अच्छा है, कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा है, और उसको वो एंटी फॉग वाला भी है तो उसकी वजह से थोड़ा वो इफेक्ट नहीं आ रहा है फॉग का, तो ओवरऑल गुड पैकेज। हाँ, कुछ लोगों को एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन यार वो नेसेसिटी है राइडिंग के लिए, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना अगर लेना चाहते हो तो। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम मेरी बहन के घर पे गए थे, तो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड रात को नहीं करते, क्योंकि आपको जो बताना था कि हमने क्या फ़न किया था, हमने बहुत सारे मज़े किए, हमने गेम्स खेले, हमारा जनरली एक थीम रहता है जो हम सब लोग फॉलो करते हैं, एंड देन उसके बाद हमने रमशराज खेला, बहुत सारा खाना खाया, बच्चों के लिए भी गेम्स रहते हैं, तो हम जनरली हर महीने में एक बार किसी के घर पर मिलते हैं, जो जो लोगों के कज़िन्स रहेंगे और जो बचपन से साथ में रहेंगे वो इस बात को बहुत रिलेट कर पाएंगे कि कज़िन्स होने का इट्स सच अ ब्लेसिंग, एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। रात में घर पे आए, अभी मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दे, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज इट कीप्स अस मोटिवेटेड, एंड अगर आपको लगेगा आपको ये सारे ब्लॉग्स और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने सोचा था कि ये ब्लॉग जब ये लोग मेरे घर पर आएंगे तब मैं शूट करूँगी, मैं बहुत दिनों से ये प्लान कर रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला कि आपसे बातें शेयर करने का, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं इस बार वीडियो करूँगी और आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं जनरली वीकेंड्स पे और मंथ और मेरे कजिन्स के साथ कैसा बॉन्डिंग है और वीकेंड्स पे क्या करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन, आई एम सेइंग दैट इट कीप्स अस मोटिवेटेड।